भारतीय सेना द्वारा पाकिस्तान में सर्जिकल स्ट्राइक के बाद एहतियात के तौर पर भारतीय सीमा से सटे गांवों को खाली करवाने के बाद स्थानीय गांव निवासियों को बेहद परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। लोग ट्रैक्टर ट्रालियों पर अपना सामान, पशु इत्यादि लेकर गुरुद्वारा साहब व धर्मशालाओं में रहकर रात गुजारने पर मजबूर हो रहे हैं। लोगों का कहना है कि उनके लिए तो अभी से ही जंग शुरू हो गई तथा वे बेघर हो गए हैं। हालांकि प्रशासन ने बाद में लोगों को अपने अपने घरों में जाने के लिए भी कह दिया। इस दौरान प्रशासन ने खाने पीने का इंतजाम भी किया। वहीं उधर पंजाब के कैबिनेट मिनिस्टर विक्रम सिंह मजीठिया आज बॉर्डर एरिया के गांव राजाताल का जायजा लेने पहुंचे। उन्होंने कहा कि इन लोगों को पूरा सहयोग किया जाएगा और उनकी फसलों का बनता मुआवजा भी इन्हें दे दिया जाएगा। आज असी श्रोमणी अकाली दल ते सरकार दी कोऑर्डिनेशन तहत असी सारे पिंडां दी कमेटी बना रहे हैं। एक पार्टी वालों जिथे सरकार अपना काम कर रही है, असी ऑलरेडी सेंटर्स खोलते हैं। एक पकने स्कूल खोलिया, एक खासे स्कूल च खोलिया, एक गुरु की बडाली गुरद्वारा साहब, एक असी शतलानी साहब ते संत साहब, ये दोवें थाई कोई 5-6 सेंटर खोल रहे, 30 पिंड नूं केटर कर रहे हैं सिर्फ हले, क्योंकि हले बड़ी वड्डी गिनती च लोग अपने रिश्तेदारां कोल भी चले गए, कुछ पिंड च भी रह गए हैं, क्योंकि दिस बॉर्डर पीपल आर वेरी वैल ऑर्गनाइज्ड इन द सेंस। इन्हां नूं पता है 65 की जंग वेखी है, 71 की जंग वेखी है, इन्हां नूं पता है कदों हालात किन्ने नाजुक हो जाते। सो एक लोगों नूं विश्वास दवाना कि थोड़ी फसल, क्योंकि दीज आर टू क्रिटिकल एरियाज, एक तो लोगों के घर चोरी चारी ना हो, नुकसान ना हो, एक दूजी फसल जिदी वाढ़ी सीजन आया होया, फसल की चकाई है, फसल की ओदा बड़ा किसानों को फिक्र है, वो विश्वास दवाने कि सरकार ने की सिस्टम बनाया। एंड दे डी नॉट वरी एंड पैनिक, इट विल बी टेकन केयर ऑफ। नाल ही जोड़ा डीजल तो पेट्रोल की इन्होंने पंपा से बड़ी वीडी लोड रहनी है, इसलिए अज ही सरकार ने वो भी सेंटर गवर्नमेंट नाल टेकअप करता है कि जिन्ना भी बॉर्डर एरिया है 553 किलोमीटर ये जिन्ने भी पंप है उन्होंने जरूर उन्होंने स्टॉक हमेशा हाई रहे, सो दैट देर इज़ वाढ़ी वेले ड्यूरिंग हार्वेस्टिंग सीजन देर इज़ नो प्रॉब्लम।